हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ एरिया है ना पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पैरीमीटर क्या होता है अब भी हम समझने वाले हैं क्या कि एरिया किसे कहते हैं अब एरिया क्या होता है फॉर अ क्लोज्ड प्लेन फिगर क्लोज आपने ये फिगर्स पढ़े हुए हैं कि ओपन फिगर्स क्लोज फिगर कौन से होते हैं है ना मतलब जो भी फिगर पूरी तरह से बाउंड्री में होती है है ना जिसके तारों तरफ बाउंड्री बनी होती है कहीं से भी ओपन स्पेस नहीं होता है वो होती है क्लोज्ड प्लेन फिगर तो फॉर अ क्लोज प्लेन फिगर इट्स एरिया इज़ द रीजन और अमाउंट ऑफ सरफ़ेस एनक्लोज्ड बाय इट। मतलब ऐसी इट्स एरिया उसका एरिया क्या होता है ऐसा रीजन या फिर अमाउंट ऑफ सरफेस जो उसने घेरा हुआ है है ना तो द यूनिट्स ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट तो एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा अब जैसे आप जानते हो देखो एरिया के अंदर हम क्या करते हैं कि साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं है ना अभी हम फॉर्मूला आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन जस्ट फॉर आइडिया कि हम क्या करते हैं कि मीटर को अगर मीटर से मल्टीप्लाई करें तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पैरामीटर के अंदर हमने सबको ऐड किया था तो वहाँ पर सिंपल हमारी यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर आ गई मीटर थी तो मीटर आ गई यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम, हम मीटर को अगर मीटर से मल्टीप्लाई करें मीटर का स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर तो तो स्क्वायर तो इसीलिए यहाँ पे सारी यूनिट्स के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है ओके okay? तो आगे बढ़ते हैं हम वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर आप सभी जानते हैं वन मीटर को वन मीटर से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी इक्वल टू वॉट हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल्स टू इन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सेंटीमीटर है ना तो वन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन मिलीमीटर ये सब आप जानते हो आप प्रीवियस क्लासेस में भी इस सब को पढ़ चुके हो है ना कि एक सेंटीमीटर में वो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं या एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं है ना तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे अब भी हम क्या कर रहे हैं ये जो फिगर हमें गिवन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है और ये है ना ग्राफ के ऊपर प्लॉटेड फिगर है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर्स को काउंटिंग कर लेंगे स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेंगे कितने स्क्वायर्स यहाँ पर हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इतना एरिया हमारी फिगर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है अब क्या है कि यहाँ पर हमारे रूल्स हैं क्या रूल्स हैं इनमें कि द कम्प्लीट स्क्वायर इन द रीजन आर काउंटेड एंड एरिया ऑफ वन कम्प्लीट स्क्वायर इज़ वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो कम्प्लीट स्क्वायर का हम जो काउंट uh, कर लेंगे जितनी भी फिगर ने कंप्लीट स्क्वायर ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो उसको हम वन सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे है ना एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना मान लेंगे वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब अगर हमारा जो ए फिगर है उसने लेस देन हाफ अ स्क्वायर अगर एरिया कवर किया हुआ है लेस देन हाफ है ना अगर स्क्वायर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हैं और उसमें अगर लेस देन हाफ स्क्वायर अगर एरिया कवर किया हुआ है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे मोर देन हाफ है तो हम उसको वन कंप्लीट स्क्वायर मान लेंगे देखिए हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा जैसे कि हम लेते हैं हमारी एक्सरसाइज पर ये आ जाते हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है और हम हम स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेंगे कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव स्क्वायेर यूनिट्स क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारी जो यूनिट है वो क्या है तो हमने क्या किया स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया है ना अब देखिए यहाँ पे हमारी नेक्स्ट फिगर है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमें गिवन है तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कंप्लीट स्क्वायर कौन से एक ये वाला और एक ये वाला लेकिन हाफ स्क्वायर्स हैं बाकी के देखिए ये भी हाफ है ये भी हाफ है तो इन हाफ स्क्वायर्स को हमने कैसे काउंट कर लिया हाफ प्लस हाफ वन ऐसे ही हाफ प्लस हाफ वन तो वन टू थ्री एंड फोर तो इस तरीके से हमारे फोर स्क्वायर यूनिट्स हैं देखो हाफ हाफ को आप काउंट uh, कर सकते हो है ना और जो हमारी मोर देन हाफ अगर ऑक्यूपाइड है तो उसको हम वन मान लेंगे और अगर लेस देन हाफ़ है तो उसे इग्नोर कर देंगे यही रूल हमें सारे क्वेश्चन को करते टाइम फॉलो करने अब देखिए ये वाली फिगर आप खुद से कर सकते हो सॉल्व ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो तो हम आ रहे हैं अब हमारा क्वेश्चन एट पर डायरेक्ट देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं हम फुल स्क्वायर्स कौन कौन से हैं वन टू थ्री फोर है ना? अब देखिए ये वाला हमारा मोर देन हाफ है है ना तो इसको कंप्लीट स्क्वायर पॉइंट आउट कर रहे हैं ये भी मोर देन हाफ है इसको पूरा ले लिया ये भी मोर देन हाफ है ये भी, ये भी ये भी ये भी ये वाला भी दिस वन आल्सो तो आपको करना क्या है मोर देन हाफ वालों को वन मान लेना है लेस देन हाफ वालों को क्या करना है इग्नोर कर देना है और हाफ हाफ ऐड कर लेने हैं और पूरे हैं तो वो तो हमारे पूरे हैं ही देखिए बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व है ना एंड दिस वन थर्टी तो इस तरीके से हमने क्या किया है जो हमारी लेस देन हाफ थे उनको हमने इग्नोर कर दिया है ना तो हमारी जो आंसर आई वो थर्टीन स्क्वायर यूनिट्स आ गई